मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर सिस्टम ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल होते हैं उनके क्या क्या बेस होते हैं, एग्जांपल क्या क्या होता है और उसमें नंबर कौन कौन से यूज किए जाते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कैसे आपके काम करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन सा नंबर इस्तेमाल किया जाता है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में हम जाने थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम के बेस क्या होते हैं और इसमें नंबर क्या होते हैं, एग्जांपल क्या होता है। तो सबसे पहला आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में बताया गया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद से डेसिमल नंबर, उसके बाद से ऑक्टल नंबर, उसके बाद से हेक्साडेसिमल, इस तरह से आपके नंबर सिस्टम होते हैं। इस नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसका 2 होता है, उसके बाद से डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो आपका 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, उसके बाद से हेक्साडेसिमल का आपका 16 होता है। इस चार्ट को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम जो इसमें नंबर यूज किए जाते हैं बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर यूज किए जाते हैं वह 0 और 1 होता है। उसके बाद से इसमें जो एग्जांपल यूज किए जाते हैं एग्जांपल के लिए आपका एग्जांपल 1 0 1 1 0, इस तरह से आपके एग्जांपल कुछ मिल जाएंगे। अगर आपका इस तरह से एग्जांपल मिलता है तो आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। और उसके नीचे अगर ये आपका लिखा है बेस, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि यह कौन सा नंबर सिस्टम है। उसके बाद से डेसिमल का है, तो डेसिमल में यहाँ पे आपका इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। ये आपका कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जो नंबर यूज किया जाता है तो यहाँ पे आपका 10 तक है, तो जो भी नंबर हम यूज करेंगे उसको यूज करने के लिए आपको 0 से लेकर के 10 के बीच में आपको रखना है। तो यहाँ पे हम 0 से शुरुआत करते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके टोटल 9 हो गए, एक आपका 0 यहाँ पे है, टोटल मिल करके आपका 10 हो गया। तो डेसिमल नंबर में जो आपका नंबर यूज किया जाता है वो आपका 0 से लेकर के 9 तक होता है। और इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे, इसका एग्जांपल आपका कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे 5 6 8 9, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस डेसिमल नंबर का आपको यहाँ पे बताया गया है इसका बेस 10 होता है। तो यहाँ पे 10 अगर आपका रहता है तो इससे भी आप पता कर सकते हैं या कौन सा नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। उसके बाद से थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड में आपका है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका बेस 8 होता है, तो आपका ये जो नंबर होता है इस नंबर को यूज करने के लिए 0 से लेकर के आपका 7 तक यूज करते हैं। वन से लेकर के 7 तक आपका ये टोटल 7 हो गया, 0 मिलकर के 8, ये टोटल इसी नंबर में हम यूज करेंगे, इसी के टाइप से आप क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद से एग्जांपल समझने के लिए, एग्जांपल में आपका नंबर सिस्टम यही होता है जैसा डेसिमल का होता है वैसे ऑक्टल का भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 7 तक यूज किया जाता है और डेसिमल में 9 तक यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आप अगर बनाना चाहते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, यहाँ पे 5 6 4 इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद से इसमें आप बेस जो दिया हुआ है इसका बेस हम जरूर लिखेंगे, इसका बेस क्या होता है, इसका बेस 8 होता है। उसके बाद से लास्ट जो हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल
नंबर सिस्टम, इसको हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसका नंबर कैसे दिखाते हैं क्वेश्चन में, तो उसको आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा। उसके बाद शेष में हम देखते हैं जीरो से लेकर के आपका नाइन तक होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उसके बाद से यहाँ पे जो आपका नंबर होता है यहाँ पे 10 नहीं लिखा जाता। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये आपका बेस कितना होता है 16, तो 16 तक इसको लिख लेंगे। यहाँ तक आप नंबर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ साइड में कहीं पे आप लिख लेंगे इस तरह से। इसको लिखने के बाद से 9 के बाद से आपका यहाँ पे 10 अगर आता है तो उसके स्थान पे ए लिख सकते हैं। उसके बाद से बी सी डी ई एफ, इस तरह से आपका नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप पे लिख दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से आपका टोटल नंबर अगर काउंट करते हैं तो आपका बेस जितना है उतना नंबर आएगा। इसका एग्जांपल समझते हैं, इसका एग्जांपल आपका डी टू एफ फाइव, इस तरह से आपका एग्जांपल क्वेश्चन बनता है। इसका बेस कितना है, इसका बेस आपका 16 है, इस तरह से हम 16 लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसको आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो इसको आप चार्ट बना सकते हैं। इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्कूल पे आपका बुक उपलब्ध हो गया है, इसको आप जल्द से जल्द आकर के ले सकते हैं। थैंक यू।